लकीरें भी अजीब होती हैं, अगर माथे पे खिंच जाए तो किस्मत बना देती हैं, अगर जमीन पे खिंच जाए तो सरहदें बना देती हैं, और अगर रिश्तों पे खिंच जाए तो दीवार बना देती है। आजकल के बच्चों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि उनके माँ बाप कितनी तकलीफ से उनकी परवरिश कर रहे हैं। शायद वो एक बात भूल गए हैं कि कल को वो भी बड़े होंगे, उनकी भी औलादें होंगी, तब उन्हें इस तकलीफ का एहसास होगा। ये बात जहन में रहे कि कोई भी बच्चा बद अखलाक पैदा नहीं होता, उसे बद अखलाक बनाता है उसका माहौल, उसकी सोहबत और उसकी तरबियत। हमारी जिंदगी बहुत अनमोल है और बहुत छोटी भी। हमें अपनी जिंदगी अच्छे कामों में गुजारनी है। हमारी एक छोटी सी गलती, हमारा एक गलत कदम हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसीलिए कहते हैं, वो वक्त भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खान जहीर सर, लोगों के दिलों में अपना मकाम इस तरह बना लो कि मर जाओ तो तुम्हें याद करके रोएं, और अगर जिंदा हो तो तुमसे मिलना पसंद करें, क्योंकि 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। बस एक दिन ऐसा अच्छा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल तक याद रखे। अस्सलाम वालेकुम। इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। इसीलिए मिर्जा गालिब ने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे, ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा हम भी दास्ता हो जाएंगे, हम भी दास्ता हो जाएंगे। वो रस्ते तर्क करता हूँ, वो मंजिल छोड़ देता हूँ, जहाँ इज्जत नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देता हूँ। किनारों से अगर मेरी खुदी को ठेस पहुँचे तो अवर में डूब जाता हूँ, वो साहिल छोड़ देता हूँ। ताल्लुक भी नहीं रखता, कभी रखा कभी छोड़ा, जिसे मैं छोड़ता हूँ फिर मुसलसल छोड़ देता हूँ। जीवन दल्ली उचितवागी सोच हेड़े ಒಂದು ನೋವು ಒಂದು ಸಾವು, ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೋರು ಒಂದು ದಿನ ಏನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದಲೂ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ, ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಪದವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಗುರುತು।